नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज का नया इशू। तो गाइस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू हमारे पिछले इशू के बाद शुरू होता है जहां पर हमने देखा था कि ब्लैक एडम अब इन्फेक्टेड हो चुका है। तो अब आगे वो क्या करने वाला है यही हम इस इशू में देखेंगे। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम विंक और एरी को देखते हैं जो यतीनय में है और उनके साथ बाकी के सर्वाइवर्स भी है। तभी एरी कहते हैं एंटी लाइफ आर्मी यहाँ आ रही है और देख के लगता है कि वे लोग बहुत सारे हैं और उन्हें ब्लैक एडम लीड कर रहा है। तो रजा सबसे पहले हमें देखना होगा कि नाइटशेड और हाइफ एंटी लाइफ का शिकार न बन जाए। आज अगर हम भागे तो मरने वाले है, और लड़े तो भी मरेंगे, और नहीं लड़े तो भी मरेंगे, यानी कि हर तरफ से हमारी मौत तय है। तभी मैंटिकोर एरी से कहता है कि तुम अकेले ही ऐसे शख्स हो जो यहाँ से जा सकती हो, तो जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये एरी जो है वो दरअसल में बाइनरी है। तभी एरी कहते हैं कि बताने के लिए धन्यवाद, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तभी एरी मैंटिकोर से कहते हैं कि हमें और मदद की जरूरत है, जिस पर मैंटिकोर पूछता है कि कैसी मदद चाहिए, जिस पर एरी कहते हैं कि हीरोज की। ये कहते ही एरी हीरोज को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ बाहर ब्लैक एडम अंडेड की आर्मी लेकर योतिनन पर अटैक कर देता है। तो वही अंदर रजा और मैंटिकोर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रजा विंग से कहता है कि हम इतने ऊपर है कि ये अंडेड आर्मी यहाँ ऊपर तक नहीं आ सकती है, लेकिन उनके साथ ब्लैक एडम है और वो यहाँ आ जाएगा, जिस पर विंग कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। तभी रजा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि ये तलवार सब कुछ काट सकती है और मैं इस तलवार से ब्लैक एडम के दो हिस्से करने वाला हूँ, जिस पर विंग कहती है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन उसे मारते समय तुम भी इन्फेक्टेड हो गए तो ये तलवार हम सबको काट देगी। तभी मैंटिकोर कहता है कि ब्लैक एडम यहाँ आ रहा है। तभी रजा विंग से पूछता है कि क्या चाहती हो तुम, जिस पर विंग रजा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे ही ब्लैक एडम अंदर घुसे वैसे ही उसे मार डालो। तभी ब्लैक एडम को देखकर रजा कहता है हमला करो, और तब वे सारे लोग ब्लैक एडम पे हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम आगे बढ़ते रहता है। लेकिन तभी विंग टेलीपोर्ट होके ब्लैक एडम की पीठ पर बैठ जाती है, जिसके कारण ब्लैक एडम का बैलेंस बिगड़ जाता है, और तब विंग ब्लैक एडम को उस माउंटेन के अंदर घुसा देती है जिस पर योतिनम है। उसके बाद विंग वापस अंदर आती है। तभी रजा विंग से पूछता है कि ब्लैक एडम कहाँ गया, जिस पर विंग कहती है कि मैंने उसे माउंटेन के अंदर घुसा दिया है, जिस पर मैंटिकोर विंग से पूछता है कि क्या वो उसमें से बच पाएगा, जिस पर विंग कहती है पता नहीं। लेकिन तभी वो पहाड़ ब्लैक एडम के कारण जोर से हिलने लगता है। यहाँ एरी बर्ड्स की मदद लेकर हीरोज को ढूंढने निकलते हैं, और तब उसे वंडर वुमन मिलती है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि ब्लैक एडम की आर्मी में इव इडन नाम की लेडी है जो नाइटशेड नाम की जगह की प्रिंसेस है, और उसके पास पावर है पोर्टल खोलने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तभी इव वहां पर पोर्टल खोल देती है, और तब उस पोर्टल में से इव और बाकी के सारे अंडेड्स योतिनम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ आते ही इव मैंटिकोर को इन्फेक्टेड कर देती है, जिसके कारण मैंटिकोर अब अंडेड बन चुका था। तभी देखकर रजा कहता है नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक एडम अंदर से उस पहाड़ को तोड़ने लगता है, जिसके कारण उस पहाड़ के दो हिस्से हो जाते हैं, और अब योतिनम नीचे गिरने वाला था, पर तब वहाँ वंडर वुमन आती है और योतिनम को गिरने से रोकती है। लेकिन तभी उस पहाड़ को तोड़ के ब्लैक एडम बाहर आता है और देखता है कि वंडर वुमन उसके सामने खड़ी थी। तभी ब्लैक एडम वंडर वुमन को देखकर उसे इन्फेक्टेड करने के लिए तेजी से उसकी ओर आने लगता है। यहाँ वंडर वुमन देख लेती है कि ब्लैक एडम उसकी ओर आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो योतिनम को गिरने से रोक रही थी। यहाँ ब्लैक एडम वंडर वुमन के और करीब आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है, जिसके कारण ब्लैक एडम नीचे उन अंडेड पर गिर जाता है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर अब वंडर वुमन के साथ सुपरमैन, साइबॉर्ग, ग्रीन लैंटर्न और मार्शल मैनहंटर आ चुके थे। तभी साइबॉर्ग वंडर वुमन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वंडर वुमन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। यह सुनते ही ग्रीन लैंटर्न अपनी पावर से योतिनम को गिरने से रोकती है,
तभी ग्रीन लैंटर्न कहती है कि मैंने इसे किरने से रोक दिया है, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं, उन्हें बचाना होगा। तभी सुपरमैन अपने एक्स-रे विजन से उस माउंटेन के अंदर देखता है और कहता है कि अंदर कुछ इन्फेक्टेड ने हमला किया है, लेकिन अब भी बहुत से लोग जिंदा है। जिस पर मार्शियन कहता है कि ठीक है, मैं उन दोनों को अंदर भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक इस ब्लैक एडम का कुछ करना होगा। ये कहते ही ब्लैक एडम फिर से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी सुपरमैन, साइबॉर्ग और मार्शियन मिलकर ब्लैक एडम पे अटैक करके उसे पीछे फेंकते हैं। यहाँ पोर्टल खोल के बहुत सारे इन्फेक्टेड अंदर घुस चुके थे, लेकिन तभी रजा अपनी तलवार से उन सारे इन्फेक्टेड को काटने लगता है और बाकी सारे लोगों को वहां से बाहर भेजता है। उसके बाद रजा देखता है कि वहां पर और भी इन्फेक्टेड आ चुके थे। ये देखकर रजा उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी विंक पीछे से आकर पोर्टल खोलती है और रजा को अपने साथ ले जाती है। लेकिन तभी रजा, विंक और बाकी के सारे सर्वाइवर्स देखते हैं कि जहां वो छुपी हुई है वहां पर भी इन्फेक्टेड घुसने लगे हैं। तभी ये देखकर रजा अपने लोगों से कहता है कि साथियों, जैसे ही ये इन्फेक्टेड अंदर घुस जाएंगे वैसे ही उन पर अटैक कर देना। लेकिन तभी पास की दीवार तोड़ के हॉकमैन, हॉकगर्ल और वंडर वुमन आ जाते हैं। तभी वंडर वुमन सबसे कहती है कि पीछे रहो, और तब हॉकमैन और हॉकगर्ल उन इन्फेक्टेड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन सारे इन्फेक्टेड को मारने लगते हैं। तभी हॉकमैन, हॉकगर्ल और वंडर वुमन मिलकर उन सारे इन्फेक्टेड को फिर से पोर्टल से भेज देते हैं, लेकिन तभी उस पोर्टल में से मैंटिकोर बाहर आता है और हॉकमैन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। और तब हम देखते हैं कि अब हॉकमैन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ ग्रीन लैंटर्न योतिनम को अपनी पावर से सुरक्षित जगह ले जाती है, तो वही सुपरमैन और साइबॉर्ग मिलकर ब्लैक एडम को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। लेकिन तभी ब्लैक एडम अचानक से आसमान में जाकर रुक जाता है। तभी ये देखकर साइबॉर्ग कहता है कि ये क्या करने वाला है, जिस पर मार्शियन कहता है कि पता नहीं, मैं भी इसके दिमाग में देख नहीं पा रहा हूँ। तभी सुपरमैन कहता है कि वो वेट कर रहा है क्योंकि वो अपनी आर्मी से दूर हो चुका है। लेकिन तभी साइबॉर्ग कहता है कि कुछ आ रहा है, और तब एरी वहां आ जाते हैं। उसके बाद एरी योतिना में आ जाती है, जहां पर हॉकगर्ल रो रही थी क्योंकि हॉकमैन इन्फेक्टेड हो चुका था, और यहीं पर यह इश्यू कंटिन्यू होता है।